हेलो गाइस, तो आज मैंने बनाया है रतालू की सब्ज़ी। जो कोई भी को मतलब नॉनवेज खाना पसंद होता है और जिनके घर में अलाउ नहीं होता नॉनवेज खाना, तो वे इस तरह का जो रतालू की सब्ज़ी, बहुत से लोग इसे गड़ारू ऐसा कुछ बोलते हैं, हम इसे रतालू बोलते हैं, तो ये बना के बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के रेडी होती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। कैसे आप सब लोग ऐसा करते हो, अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं सुबह के, तो मेरे हस्बैंड जा चुके थे, तो सुबह का काम मेरा बाकी था, तो मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया जाए। मैं पहले एक दिन छोड़ के ब्लॉग डालती थी, वीडियो डालती थी, अपलोड करती थी यूट्यूब पे, बट अभी मैंने सोचा क्यों ना रोज रोज एक वीडियो अपलोड किया जाए, तो मैं रोज का रोज ब्लॉग बनाऊंगी, रोज का रोज अपलोड करूंगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस, अगर आपको ऐसा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज जरूर मुझे सपोर्ट करें। और बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग देखना पसंद करते हैं, तो आप मेरी डेली लाइफ और मैं कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, वो सब कुछ देखने के लिए आपको मेरे पसंद आए मतलब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो और एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों से गाइस, कि कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, जो करना पड़ता है खुद ही करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर से बोला, बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, तो उनसे मैंने हेल्प मांगी कि मेरी हेल्प कर दो, आप लोग तो बहुत बड़े हो, तो आप लोग तो बहुत बड़े हो तो आप तो किसी के भी हेल्प कर सकते हो, लेकिन मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। हाँ, एक है रश्मि देवी कुशवाहा, वो है, उन्होंने मेरी हेल्प की थी, तो और बाकी की किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को जाके मैसेज किया और कमेंट करी, बट किसी ने रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई कर दिया कि मतलब कर दूंगी, पिन कर दूंगी, तो पिन करने से इतनी ज़्यादा किसी को हेल्प नहीं होती है, पिन करने से कोई किसी का वीडियो नहीं देखता। तो मैंने बोला कि मेरा एक वीडियो अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दो, तो उन्होंने बोला कि कर दूंगी, मतलब हेल्प कर दूंगी ऐसा बोला था, बट उन्होंने करी नहीं और मुझे छोड़ के, मतलब मैंने उनसे बहुत पहले रिक्वेस्ट करी थी, मुझे छोड़ के उन्होंने बहुत सारे लोगों की, उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि अब मैं सबकी हेल्प करूंगी, तो मुझे छोड़ के उनने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मेरी नहीं की, कोई बात नहीं, चलो जिसकी की उसका अच्छा है। बस मुझे इतना पता चल गया है कि आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता, और एक दूसरे कोई आगे बढ़े तो चलता भी है, इसलिए शायद नहीं करते होंगे, सोचते होंगे कि मैं सिर्फ आगे बढ़ूं, दूसरा कोई नहीं बढ़े, शायद ये सोचते होंगे। और बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, वो ऐसा भी सोचते हैं कि चलो हम तो आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ साथ चलो कोई और भी बढ़ रहा है, मेरी वजह से कोई और भी आगे बढ़ रहा है, तो उनको खुशी होती है, बट पांच उंगली एक जैसी नहीं होती है, ना ही किसी की सोच एक जैसी होती है। कोई कुछ सोचता है, किसी को किसी के आगे बढ़ने से खुशी होती है, तो किसी को जलन होती है, इस तरह का काम होता है भाई। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ब्लॉग, और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जो होली के दिन जो शॉपिंग की थी उस पर क्या क्या खरीदा, कैसे खरीदा, कितना सारा, मतलब इतनी सारी शॉपिंग करी। तो आप वो मेरा जो आने वाला वीडियो है अगले दिन, इस ये वीडियो पहले आएगा, उसके बाद जो वीडियो आएगा तो उसको भी वॉच करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोगों की मुझे बहुत हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम, क्योंकि अभी मेरा सारा काम पड़ा है, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, और आज दिन है शनिवार, ये शनिवार का ब्लॉग है और ये संडे को पोस्ट होगा, क्योंकि शनिवार एक दिन का पहले का ब्लॉग, एक दिन आगे ही मैं आज बना लेती हूँ तो दूसरे दिन अपलोड करती हूँ। तो चलो ठीक है, मैं आज अपना काम स्टार्ट करती हूँ, अभी कुछ भी काम किया नहीं है, घर पे सारा काम बाकी है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, चलो मैं काम करती हूँ। तो फिर पहले तो ये मेरी प्यारी, मुझे ये खिड़की है मेरे पास में, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है,
आती है, मेरा बेड है, देखो मेरा बेड है और बेड के बाजू में ये खिड़की है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ऐसे ही सुबह कम से कम 6 बजे के टाइम में एकदम उजाला बहुत ज्यादा अच्छा आ जाता है, लाइट की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं करती हूँ अपना काम, बातें करती रहूंगी तो सारा ब्लॉग बातों में ही खत्म हो जाएगा सारा वीडियो। चलो ठीक है, मैं काम करती हूँ। तो गाइस मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपना काम सुबह का, थोड़ी लेट हो गई हूँ आज वैसे भी। तो पहले तो मैं अपने चद्दर वद्दर जो था हमारे बेड का वो सब अच्छे से बिछा देती हूँ, उसको मतलब थोड़ा धूल आ जाती है, खिड़की के साइड का है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, ऊपर से धूल वूल बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसको अच्छे से हम धूल को चहरा लेते हैं, धूल को साफ़ कर लेते हैं, फिर हम इसको बिछा देते हैं अच्छे से। और ये बेडशीट बहुत पुरानी हो गई है और ये थोड़ी सी फट भी गई है, फिर भी हम इसको अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम होली के दिन नए लेकर आए थे बेडशीट, वो अभी रेडी नहीं हुई है, उसके तकिए के कवर भी हमको बनाना है, उसके बाद उसके जो चारों किनोरी होती है उस पर सिलाई करना, उसके बाद हम इस पर बिछाना स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी देखना, आप लोगों को भी बताएँगे, बहुत अच्छी बेडशीट है, मुझे बहुत अच्छी लगी, कलर वलर सब कुछ, तो आप लोगों को और बहुत ही सस्ती आई तो आप लोगों को ज़रूर बताएँगे हम। तो देख लो आप लोग जो मेरा खिड़की वाला जो बेडरूम है वो कितना अच्छा, बहुत अच्छा, खिड़की की वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और सुबह सुबह यहाँ पे धूप आ जाती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है लाइट की, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा उजाला आता है। तो गाइस मैंने झाड़ू लगा दी थी, उसका वीडियो मैं शूट किया था लेकिन इसमें ऐड नहीं कर पाया अभी मैंने, और ऐड करती तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता, कम से कम 20 मिनट का हो जाता, और जो कि अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती, मुझे 10-11 मिनट का वीडियो अपलोड करती हूँ तो मेरा पूरा नेट ख़त्म हो जाता है, मैं किसी के भी वीडियो पर जाके नहीं जा पाती हूँ क्योंकि नेट की वजह से नेट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है हमारा, तो वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, मैं दूसरे वीडियो में ऐड कर दूँगी। तो अभी मैं पोता लगा देती हूँ फटाफट से, अंदर सब कुछ मैंने लगा दिया था, ये बाहर का ही बाकी था, तो मैंने थोड़ा सा ही वीडियो शूट किया, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता तो समझ नहीं आता, मतलब एक दिन का हम ब्लॉग में सब कुछ दिखाएँगे तो कम से कम वीडियो आधे घंटे का बनता है, जिसके अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है, आधे घंटे का वीडियो अपलोड करेंगे इतना तो हमारे पास नेट भी नहीं होता है। तो मैं फटाफट से हम पोता लगा देते हैं, फिर मैं बताती हूँ क्या करूँगी। तो हमारा वो काम हो चुका है, अभी हो गया रात का टाइम, तो मैं बना रही हूँ अभी रतालू की सब्ज़ी, आधा किलो रतालू लाई थी मैं, तो एक रतालू ही आधा किलो का हो गया था, एक रतालू ही आधा किलो का हो गया था, तो फिर उसे उसको छीलने से पहले हाथों पे अच्छे तरीके से तेल लगा लेना चाहिए, उसके बाद ही रतालू को छीलना चाहिए क्योंकि उसमें पता नहीं कुछ चिपचिपा सा निकलता है, वो हाथों से लग जाए तो हाथों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो मैं फटाफट से छील लेती हूँ, उसका जो छिलका है वो छिलके अलग कर लेती हूँ, एक तरह के ये जो कंदमूल की सब्ज़ी होती है बस वही होता है। मैं फटाफट से इस तरीके से सारी जो हमारा रतालू है उसको छील के और काट लेती हूँ मैं अच्छे से फटाफट से, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी देखो ये कट गया है, तो हम अभी इसको छाछ के साथ धोएंगे जिससे इसका जो चिपचिपासा पदार्थ होता है वो सब मतलब अच्छे से साफ हो जाता है। हमारे यहाँ इसको छाछ से धोते हैं और एक बार भी नहीं दो बार धोते हैं, जिससे ये छाछ से धोते तो छाछ मतलब मठा से धोते तो मठा फट जाता है। देखो अभी मैं धो रही हूँ, मठा भी अच्छा है, एक मिनट तक धोएंगे तो ये मठा फट जाएगा, फिर हम दूसरी बार फिर से धोएंगे और फिर अच्छे से 2-3 बार पानी से धोएंगे और फिर ये बनाने के लिए इस तरीके से, देखो मठा फट गया ना देखो, तो उस तरीके से फिर बनाने के लिए ये रेडी हो जाएगा। और इसके लिए हमने मसाला पहले से ही रेडी करके रख लिया है, जिसमें कि हमने पीस के रखा है 3 प्याज
और लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक, ये सब कुछ पीस के रख लिया है। उसका पेस्ट बना के हमने रख लिया पहले से, तो अब हम इसको धो के लाते हैं फटाफट से। तो अभी हम ये धो के अच्छे से पानी से, पहले दो बार हमने मट्ठे से धोया फिर हमने पानी से अच्छे से धो के लाए। तो अभी हम इसको तेल गरम करते हैं हम फटाफट से। तो तेल को हम थोड़ा ज़्यादा ही डालना क्योंकि इसे फ्राई करना अच्छे से, तो तेल को थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे हम। तो तेल को हमने डाल लिया कढ़ाई में, तो अब इसको गरम होने देंगे, फिर हम इसमें जो हमारे रतालू थे वो हम इसमें डाल देंगे और कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको हमको तेल में फ्राई करना है अच्छे से। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और कमेंट करके भी बताना मुझे। कि कैसा लगा है आपको, मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो मेरे चैनल पर न्यू है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी देखो 4 से 5 मिनट तक होगा इसको भूनते भूनते, तो अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। और अब हमने जो मसाला मैंने बोला था आपको, तेल थोड़ा ज़्यादा है तो मैं तेल को थोड़ा सा निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनानी है। तो अब मैं इसमें जो जीरा डाल दिया और जो हमने मसाला आपको बोला था प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्ची का, तो वो मैंने डाल दिया है। पीसते समय हमने इसमें जो हमारे सूखे मसाले होते वो भी हमने डाल दिए थे, जैसे कि लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला और नमक भी ऐड हमने कर दिया था अभी पीसते वक्त। तो अब हम इसमें कुछ भी सामग्री ऐड नहीं करना, बस टमाटर काट के ऐड करना। जब ये मसाला भुन जाएगा तो उसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे इसमें। तो 2 से 3 मिनट तक भुनने देंगे मसाला हमारा अच्छे से, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारे टमाटर जो मैं काट लेती हूँ फटाफट से। आशा करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे, आप लोग पसंद करते होंगे। तो अभी दो से तीन मिनट तक हो गए हैं, तो अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को हम पकने देंगे क्योंकि मसाले में टमाटर पक जाते तो अच्छे से पक जाते, बाद में ये पानी डाल देते तो अच्छे से नहीं पक पाते हैं। तो हमारे टमाटर देखो लगभग पक गए हैं। तो अब हमने इसमें जो हमारा रतालू हमने तल के रखा था वो हमने इसमें डाल दिया है। हमको कुछ नहीं डालना है इसमें, सारे मसाले हमने पहले ही डाल दिए हैं, बस अब हमको इसमें पानी डालना है अपने हिसाब से। और ये ज़्यादा पतला नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा सा रसा वाला रखना है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और फिर हम इसे ढक देंगे और पकने के लिए रख देंगे, अच्छे से पक जाएगा। देखो अभी हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई, देखो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी देखने में, मतलब खाने का मन कर रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो आप लोग ज़रूर बताना मेरा वीडियो कैसा लगा आपको और मेरी रेसिपी कैसी लगी, ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।